दोस्तों, आज फार्म हाउस वाला में आपको हम मिलवाएंगे हमारे ब्लैकबेरी हिल्स के क्लाइंट से, जिनका रिव्यू हम जानेंगे। ब्लैकबेरी हिल्स उनको कैसा लगा, उनको वहाँ क्या चीज़ें पसंद आई और क्या ऐसे अट्रैक्शंस थे जिसकी वजह से उन्होंने फटाफट बुकिंग करी और फटाफट विजिट में लगे हुए हैं। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ब्लैकबेरी हिल्स जैसा कि नाम ही है ब्लैकबेरी, सबसे पहली चीज़ तो उसकी लोकेशन जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब वो फार्म हाउस का भी एक पर्पस सॉल्व करती है और उसका एक सबसे बड़ा ये है कि शहर से काफ़ी नज़दीक है, मात्र आप 20 से 25 मिनट में आप अपने फार्म हाउस पर पहुंच सकते हैं। इवन अगर संडे के दिन सुबह चाय पीते पीते भी यदि 10 बजे अगर विचार हुआ कि आज फार्म हाउस चला जाए, तो आप मात्र आधे घंटे के अंदर अपने फार्म हाउस पर पहुँच सकते हैं। ये इसकी सबसे पहली जो खासियत है वो है। दूसरी खासियत मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हिल के ऊपर होने से व्यू बहुत ही अच्छा है उसमें, और जो आसपास में पीछे की तरफ जंगल का एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ फ्यूचर में कभी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं आने वाला, तो वो एक लोकेशन आसपास में काफ़ी अच्छी है। मतलब फ्यूचर में वहाँ पे बस्ती थोड़ी सी उस हिसाब से, मतलब कि आपका फार्म हाउस का जो उद्देश्य है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तीसरा कि गावंडे साहब का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट उनका टाइमली एवं मतलब कमिटमेंट में जो जो बोला है उन्होंने, मैंने जब बुक किया था मुश्किल से मेरा शायद पहला या दूसरा ही प्लॉट होगा, लेकिन जो मैंने उस ज़माने में मतलब उस आज से साल भर पहले जो ब्लैकबेरी देखा और आज जो मैं ब्लैकबेरी देख रहा हूँ, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब आज मैं उसे किसी भी डेवलप्ड रेजिडेंशियल कॉलोनीज की तुलना करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इसमें एक रोड अगर बन जाए तो ये आप फार्म हाउस कम आप कल से जाके वहाँ पे रहना चालू कर सकते हैं, इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। चौथी इसकी विशेषता ये है कि जनरली फार्म हाउस के अंदर जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो फैसिलिटीज़ क्या होती है, तार फेंसिंग कर दिए, चार पौधे लगा दिए और चूरी की रोड बना दी, तो वो आपका फार्म हाउस हो गया। मतलब बाकी की जो भी डेवलपमेंट करना है वो आप खुद करिए, लेकिन यहाँ पे गावंडे जी जो है वो इसके अंदर क्लब हाउस दे रहे हैं, उसके बाद में बैंक्वेट हॉल दे रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था दी है कि यदि आपके आप खुद भी फार्म हाउस के ऊपर यदि कोई कुछ फंक्शन करना चाहें तो पार्किंग, मतलब भरपूर पार्किंग है उसमें। और ये और जब उसमें कॉटेजेस वगैरह बन जाएंगे और प्लस जब बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट वगैरह बन जाएंगे, उसके बाद में आप मतलब जो चाहे वो अपनी सारी मंशा वहाँ पे जाके पूरी कर सकते हैं। पांचवी, गावंडे साहब जो है वो नेचर वाइज और मतलब बोलते हैं ना कि आप डील बस एक बार केवल डील करने आप बैठिए, आपको जो सुविधाएँ चाहिए तो वो एक मतलब मैंने बहुत ही रेयर केस में देखी है कि आदमी का उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे को इसको प्लॉट या रेजिडेंशियल हाउस या फार्म हाउस बेचना है, उनका उद्देश्य है कि आदमी ने जुड़ना चाहिए। आज एक बार अगर आदमी जुड़ेगा तो मैं निश्चित बोलता हूँ कि वो उनको कभी भी उनसे अलग नहीं होंगे, हमेशा उनके साथ में बना रहेगा आदमी। थैंक यू।